हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे। अभी तक हमने नाइन्थ डे की वोकेबुलरी सीरीज को कंप्लीट किया है। आज हम टेंथ डे की वोकेबुलरी सीरीज में आ चुके हैं। दसवां दिन है और 10 दिन में ही मात्र हम कवर करेंगे 218 मीनिंग को। 218 मीनिंग, जी हाँ। सोचिए धीरे धीरे चलने का क्या परिणाम होता है। आप कुछ ही समय में एक बेहतर परिणाम को प्राप्त कर लेते हो, ठीक है। तो आज स्टार्ट करेंगे हम मीनिंग नंबर 99 से। होमोफोन्स पढ़ रहे हैं। होमोफोन्स कंप्लीट होने वाला है कुछ ही दिन में, और उसके जस्ट बाद स्टार्ट करेंगे फ्रेजल वर्ब। बहुत मज़ेदार होती है, बहुत मज़ेदार होती है। क्या होती है बात करेंगे बाद में। ये वो कबल्ले सीरीज जल्दी जल्दी चलती चली जाएगी, चलती ही जाएगी। जैसे आज टेंथ डे है, मैं चाहता हूं कि आपके सामने मैं डे की जब बात करूं तो 500 डे में बात करूं कि आज 500वां दिन है, ठीक है। तो ये चलेगी ही चलेगी, डेफिनेट चलती ही रहेगी। आप पढ़ते रहो, ठीक है ना। अभी सारी वोकैबुलरी हमको कंप्लीट करनी है, ठीक। तो साथ में चलोगे तो 10-10 सोचो। जो बच्चा डे 1 से लगा होगा, डे 10 में मेरे साथ ही 218 मीनिंग कंप्लीट कर लेगा। होमोफोन्स की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मीनिंग्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या बताएं। फॉर स्पोकन, फॉर राइटिंग, ठीक है ना, हर जगह इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि एक वर्ड आप गलत कर देते हो, उसकी मीनिंग ही गलत हो जाती है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से पढ़िए क्या मतलब है इसका। मैं कोशिश करूंगा और डीप समझाऊंगा, ठीक है ना। आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में करो। आपको अच्छा लगता है तब भी आप जरूर बताओ, ठीक है ना। इससे प्रोत्साहन होता है हम लोग का। चलिए 99, एग्जॉस्टिंग 99 नंबर है। एग्जॉस्टिंग का मतलब होता है थका देने वाला, थका देने वाला ना। उसके बाद है एग्जॉस्टिव, एक जैसा ही लग रहा है बच्चों, देखो। एग्जॉस्टिंग मतलब थका देने वाला, ठीक है ना। और एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कंप्लीट या पूर्ण, पूर्ण। देखो एक जैसा लग रहा है लेकिन मीनिंग कितनी अंतर है। आप एग्जॉस्टिव बोलोगे तो उसकी मीनिंग ही डिफरेंट आएगी, और आप एग्जॉस्टिंग बोलेंगे तो उसकी मीनिंग डिफरेंट आएगी। तो यहां पे क्या है, होमोफोन्स है, दो अलग अलग मीनिंग्स हैं। आप ध्यान से देखोगे दो अलग अलग है, और दोनों के जो अर्थ हैं वो क्या हैं, अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लें एग्जॉस्टिंग का, तो दिस जर्नी इज वेरी एग्जॉस्टिंग, यह यात्रा बहुत ज़्यादा थका देने वाली है, ठीक है ना। उसके बाद एग्जॉस्टिव मतलब पूर्ण। आई हैव कंप्लीटेड माई एग्जॉस्टिव होमवर्क, मैंने अपना पूरा का पूरा होमवर्क क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। उसके बाद है एक्सपेंस, एक्सपेंस, ध्यान सुनिएगा, एक्सपेंस, एक्सपेंस। ये देखो एक्सपेंस बना है खर्च से। क्या क्या खर्च होता है भैया इसमें, इसमें धन, शक्ति, समय आदि खर्च करना, ये है एक्सपेंस, ओके। अब देखो एक्सपेंस का मतलब एक अच्छा सा उदाहरण लेकर इंग्लिश में, ठीक है। मोर एक्सपेंसेस आर नॉट गुड, ज्यादा खर्चे अच्छे नहीं होते हैं, ठीक। उसके बाद आप देखो एक्सपेंस आया कहां है, एक्सपेंस ही बना बेटा, एक्सपेंसिव खर्चीली, बहुत ज्यादा खर्चीली, ठीक है ना, जिसमें आपका पैसा ज्यादा लग जाए, एक्सपेंसिव। तो यहां पे ये मतलब है कि जहां पर ज्यादा, तो एक्सपेंस बना एक्सपेंसिव, ठीक है ना, मतलब खर्चीला, अधिक ज्यादा खर्चीला। इसी से एक्सपेंडिचर बनता है, ठीक है ना, खर्चे, एक्सपेंसिव। अब उसके बाद आता है एक्सपेंस, ये एक्सपेंस एक्सपेंस से नहीं बना, ये एक्सपेंस बना है एक्सपेंड से, स्पेंड, स्पेंड मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा विस्तृत कर देना, ठीक है ना, एक्सपेंड बढ़ाना, विस्तृत कर देना। तो एक्सपेंस का मतलब होता है, एक्सपेंस का मतलब होता है विस्तृत क्षेत्र, विस्तृत, विस्तृत क्षेत्र, यानी फैला हुआ मैदान। आई हैव सीन, आई हैव सीन मैनी एक्सपेंसेस,
ठीक ना, मैंने बहुत सारे बड़े बड़े विस्तृत क्षेत्रों को देखा, ठीक है ना। फीट और फिएट दोनों में अंतर, फीट फिएट, फीट फिएट, फीट फीट का मतलब आप जानते हो अच्छे तरीके से, पैर होता है। क्लियर है बात कि नहीं? फीट का मतलब क्या होता है? पैर होता है। जैसे वी शुड स्टैंड इन अवर ओन फीट, हमको खुद को अपने पैरों में खड़ा करना चाहिए, ठीक है। दूसरा है फिएट, इसका मतलब होता है कमाल, कमाल ना, कमाल कर देना, करतब दिखाना कोई चीज को। जैसे जगलर शोड मेनी फिएट, ओके, जगलर ने, यानी एक जगलर मतलब, जगलर मतलब समझते हो, जगलर मतलब जादूगर, एक जादूगर ने बहुत सारे कमाल दिखाए। क्लियर हुई बात कि नहीं? उसके बाद है फ्ली, एफ एल ई ए, फ्ली मतलब पिस्सू। अब पिस्सू क्या होता है? पिस्सू बेटा एक प्रकार का कीड़ा होता है, डॉग्स वगैरह में लग जाते हैं छोटे छोटे, ठीक ना, तो इनको बोला जाता है पिस्सू, ठीक है ना। तो देयर आर मेनी फ्लीज, देयर आर मेनी फ्लीज ऑन द डॉग, ठीक ना, तो फ्ली मतलब पिस्सू। अगला है एफ एल ई ई, इस फ्ली का मतलब होता है भागना, इसी की सेकेंड मीनिंग होती है, यानी कि सेकेंड फॉर्म फ्ली की फ्लेड, एफ एल ई डी, ठीक है ना। तो फ्ली मतलब भागना, जैसे द थीफ फ्लेड, द फ्ली द थीफ फ्लेड व्हेन दे सी, वेरी सॉरी, व्हेन दे सा द पुलिस कमिंग, ठीक है ना। तो थीफ भाग गए जब उन्होंने पुलिस को आते हुए देख लिया, तो फ्ली मतलब भागना होता है। फोर्सफुल फोर्सिबल, ठीक है ना, फोर्सफुल का मतलब जोरदार। कल ही प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत जोरदार क्या दी थी, स्पीच दी थी, बहुत जोरदार ना। तो आप बोल सकते हो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर डिलीवर्ड अ फोर्सफुल फोर्सफुल स्पीच टू द पीपल ऑफ इंडिया फॉर हार्मनी, ठीक है ना। तो आप फोर्सफुल मतलब क्या होता है? जोरदार, बहुत जोरदार भाषण होता है, जोरदार। फोर्सफुल का मतलब जोरदार, और फोर्सिबल का मतलब होता है जबरदस्ती, ठीक है ना, जबरदस्ती मतलब जबरन। अब यहां पे देखो उस पर फोर्सफुल क्या है? प्लस मीनिंग है, पॉजिटिव है, और फोर्सिबल क्या है? माइनस है। देख लिया ना, ये अंतर आ रहा है। फोर्सफुल आ गया किसमें? प्लस में, और फोर्सिबल आ गया किसमें? माइनस। तो अब देखिए फोर्सिबल, फोर्सिबल की एक अच्छी सी डेफिनेशन ले लेते हैं, सॉरी एक अच्छी सी जो है एग्जांपल ले लेते हैं फोर्सिबल का। तो वी शुड चेक द फोर्सिबल एंट्री ऑफ पीपल, वी शुड चेक द फोर्सिबल एंट्री ऑफ पीपल, मतलब हमको चेक मतलब रोकना बताया था इसके पहले वाले में, चेक सी एच ई क्यू यू ई, चेक और सी एच ई सी के, ठीक है ना। तो चेक मतलब रोकना होता है, तो वी शुड चेक द फोर्सिबल एंट्री ऑफ पीपल, हमको लोगों के जबरदस्ती एंट्री को रोकना है, ठीक है ना। ये अब उसके बाद आता है किसमें? ग्रेसफुल में, ग्रेसफुल ग्रेसियस, बहुत बड़ा अंतर है। देखिए थोड़ा सा ग्रेसफुल का मतलब क्या होता है? आकर्षक, आकर्षक पॉजिटिव है बेटा, ये प्लस भी नहीं है, आकर्षक। जैसे मैं बोल सकता हूं हिज कैरेक्टर इज, या हिज पर्सनालिटी इज वेरी ग्रेसफुल, उसकी पर्सनालिटी बहुत आकर्षक है, अच्छी है, तो आकर्षक हो गया। उसके बाद ग्रेसियस, ग्रेसियस का मतलब होता है दयावान, दयावान, ठीक है ना। आई सा अ ग्रेसियस लेडी हेल्पिंग द पुअर, ठीक ना, मैंने एक दयावान स्त्री को पुअर्स की मदद करते हुए देख लिया। क्लियर हुई बात कि नहीं? इसके बाद क्या है? हेल्थफुल हेल्दी, हेल्थफुल, स्वास्थ्यवर्धक, वर्धक। जैसे मॉर्निंग वॉक इज हेल्थफुल,
ठीक ना, क्लियर बात कि नहीं। अब उसके बाद है हेल्दी। हेल्दी का क्या मतलब होता है? स्वस्थ, ठीक है ना। अ हेल्दी स्टूडेंट कैन स्टडी मोर देन अ पर्सन हु इज नॉट हेल्दी। क्लियर हुई बात। हिस्टोरिक, हिस्टोरिकल, ठीक है ना। हिस्टोरिक, हिस्टोरिक मतलब इतिहास में लिखा हुआ, लिखा हुआ। जैसे आप बोल सकते हो द स्पीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन 15 अगस्त 1947 वॉज हिस्टोरिक। क्लियर हुई बात कि नहीं। अब इसके बाद है हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक। हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ठीक है ना। अब बोल लो इसको अच्छी तरीके से। आई सा हिस्टोरिकल बिल्डिंग इन झांसी। मैंने एक ऐतिहासिक बिल्डिंग देखा, एक ऐतिहासिक महल देखा। आई सा एन हिस्टोरिकल पैलेस, ठीक है ना, इन झांसी, ठीक है। क्लियर बात, ऐतिहासिक मतलब हो गया। ये बेटा ऑनररी है। कभी भी एच के बाद यदि ओ आता है, एच के बाद यदि ओ आता है तो एच साइलेंट हो जाता है। तो ऑनररी है और ऑनरेबल है। ऑनररी, ऑनरेबल दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आप एक दूसरे से मैच बिल्कुल नहीं कर सकते, कोई हो ही नहीं सकता मैच। तो ऑनररी का मतलब होता है अवैतनिक, अवैतनिक। अब थोड़ा प्रॉब्लम हो गया आप लोगों को समझने में अवैतनिक क्या होता है। अवैतनिक का मतलब होता है वह व्यक्ति जो काम तो करे लेकिन उसकी वेतन ना मिले, अवैतनिक। क्लियर बात कि नहीं। तो ऑनररी मतलब अवैतनिक। मेनी पीपल इन इंडिया आर वर्किंग एज ऑनररी। क्लियर बात नहीं। ऑनरेबल, सम्मानित, सम्माननीय, सम्माननीय, सम्माननीय। जैसे यस्टरडे और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर डिलीवर्ड स्पीच। क्लियर हुई बात कि नहीं। डिलीवर्ड अ ग्रेसफुल स्पीच, बहुत अच्छी स्पीच उन्होंने दी थी। क्लियर है। अब आगे देखिए, ह्यूमन और ह्यूमेन। ये ह्यूमन है, एच यू एम एन, ह्यूमन का मतलब मानव होता है। देखो बहुत मजा आएगा इसमें। ह्यूमन का मतलब मानव होता है, मानव, ह्यूमन। और दूसरा क्या है, ह्यूमेन है, मेन, ह्यूमेन, ह्यूमन और ह्यूमेन, ठीक है ना। अब आप इससे मिलाने की कोशिश करो तो बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। क्योंकि ह्यूमन का मतलब मानव होता है और ह्यूमेन का मतलब होता है दया। सोच लीजिए, मर्सीफुल। तो ह्यूमन, ठीक है ना, ऑल ह्यूमंस शुड सो द ब्रदरहुड, ठीक है ना। सभी ह्यूमन को, मानव जाति को क्या दिखाना चाहिए, ब्रदरहुड दिखाना चाहिए, यानी कि भाईचारा दिखाना चाहिए। ह्यूमेन मतलब दया होता है, काइंडनेस, ठीक है ना, ह्यूमेन। आप जैसे देख लीजिए, राजा हरिश्चंद्र, ठीक ना, द किंग हरिश्चंद्र शोड ह्यूमेन। क्लियर हुई बात कि नहीं। ह्यूमेन दया। इमेजिनरी और इमेजिनेटिव। इमेजिनरी काल्पनिक होता है, यानी झूठा, कल्पना से बनाया हुआ, काल्पनिक होता है। किसका मतलब, इमेजिनरी का मतलब। और इमेजिनेटिव, इमेजिनेटिव का मतलब क्या होता है, कल्पनाशील, काल्पनिक का मतलब कोई चीज अपने मन में मनगढ़ंत कर लेना, कोई चीज बना लेना, कल्पना है नहीं रियलिटी में लेकिन बना लिया, तो कल्पना काल्पनिक हो गई, ठीक है ना। इमेजिनेटिव मतलब कल्पनाशील, वह व्यक्ति इसकी आदत है, ठीक है ना, विचार ही उसके कल्पनाशील वाले होते हैं, यानी काल्पनिक होते हैं। तो कल्पनाशील, जैसे इमेजिनरी का मतलब हो जाएगा
जॉन कीट्स यूज्ड मेरी मेनी इमेजिनरी कैरेक्टर इन हिज पोएट पोएम सॉरी इन हिज पोएम क्लियर बात नहीं जॉन कीट्स यूज्ड मेनी इमेजिनरी कैरेक्टर्स इन हिज पोएम ये हो गया अगला इमेजिनेटिव इमेजिनेटिव जॉन मिल्टन वॉज एन इमेजिनेटिव पोएट ठीक है ना बहुत कल्पनाशील पोएट थे तो ये थी आज की मीनिंग टेंथ डे में ठीक ना जिसमें हमने कवर किया 109 तो बच्चों देखो डेली मेहनत इतने समय जब मैं पढ़ाने आया हूँ इतने समय यू वोंट बिलीव अभी 4:30 बजे हैं सुबह के ठीक है ना तो आप सोचिए मॉर्निंग में आकर के ही पढ़ाना स्टार्ट कर देना ठीक है ना सो के उठो आओ पढ़ाओ क्योंकि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है इधर उधर ज़्यादा निकलना उचित भी नहीं है और निकलना भी नहीं चाहिए तो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग पढ़ के मेहनत दिखाओ दूसरी चीज सब्सक्राइब करो मुझको मॉर्निंग में अब लाइव क्लासेस लानी है ठीक ना बहुत अच्छा चल रहा है थोड़ा सा और फोर्स करो फ्रेंड्स को बोलो अपने ठीक ना आपके घर में जितने मोबाइल हैं सबसे सब्सक्राइब कर दो ठीक जल्दी से जल्दी इसको ग्रो करो हम टारगेट पहुंचने वाले हैं बहुत दूर नहीं बेटा बहुत दूर नहीं है 170 अक्रॉस आई थिंक पाना है आज की डेट में देखा जाए तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा नहीं है आप फ्रेंड्स से शेयर करिए सब लोग देखिए भाई इसे क्या है ये वीडियो बहुत अच्छी है दैट मीन्स आप देखोगे मीनिंग्स ही मीनिंग्स इसमें है सेम कैटेगरी की मीनिंग होती हैं अर्थ अलग अलग होते हैं बहुत अच्छी मीनिंग है आप इसको पढ़ोगे तो यही नहीं जीवन भर काम आने वाली है ठीक है तो ढेर सारा सब्सक्राइब करो ढेर सारा लाइक करो और ढेर सारा शेयर करो ठीक है जिससे सब बच्चे पढ़ सकें और हम जल्दी जल्दी लाइव सेशन में आ जाए लाइव सेशन में आते ही आपके पास सारी क्लासेस रन होने लग जाएंगी लाइव टाइम पे ठीक है आप सामने रहोगे हम सामने रहेंगे बिल्कुल सामने सामने पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे वो ज़्यादा बेहतर पीरियड होता है ठीक है ना चलिए आज के इतना ही आप इसको पढ़ लीजिए बार बार बना रहा हूँ सेंटेंस बनाने से ही मीनिंग याद होती है और कोई तरीका नहीं होता है मीनिंग को याद करने का जितनी ज़्यादा सेंटेंसेस बनाओगे घर में बैठ करके प्रैक्टिस करो एक वर्ड के 10-10 सेंटेंस बनाओ 4-4 सेंटेंसेस बनाओ आप देखोगे वर्ड याद करने की जरूरत नहीं बनती अपने आप याद हो जाता है ठीक है ना चलिए आज के इतना ही थैंक यू वेरी मच